समय में देश में एज हाई है 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट होने शुरू हुए थे। कंटिन्यूड एफर्ट्स एट फील्ड लेवल, जिससे हमें इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस एज वेल एज क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो हमने देखा कि हमारे केसेस घटते घटते करीब 17 मई में 2,81,000 तक पहुंच चुके थे, यानी कि 3 लाख से कम हुई डेली रिपोर्टिंग। 31 मई तक वह घटते घटते 1.5 लाख के करीब पहुंची और 7 जून तक हमने देखा कि करीब 1 लाख केसेस प्रति रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे थे। और अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड। एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया हुआ वह यह है कि एक स्थाई पर लगा कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, वह बहुत अधिक संख्या में सेकेंड वेव में पॉजिटिव आए हैं। और उसी से लिंक एक इशू ये बनाया गया कि हो सकता है अगर कभी थर्ड वेव आती है तो तब हमारे बच्चे उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसमें ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी मंच के द्वारा तकनीकी स्थाई पर काफी डिटेल में इस विषय पर एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं लेकिन उनका जो सीवियरिटी है वह कम रहती है, लेकिन क्योंकि बच्चे अवेलेबल हैं एज ए ससेप्टिबल पॉपुलेशन टू बी इन्फेक्टेड, तो अगर घर के बड़े भी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वह इन्फेक्ट होकर घर में बच्चों के साथ मिलते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर सकते, तो बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भय के वातावरण की जरूरत नहीं है, जरूरत है बच्चों को अवेयर करना, जरूरत है समाज में हर फैमिली को अवेयर होना। इसी विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें जो हमारा युवा पॉपुलेशन यानी 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%, 21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.49%, 22.7% एंड 17.26%, यानी कि उसी अनुपात में इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नोट किया गया। इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड ग्रुप को नोट करें तो जैसे 1 से 10 साल में पिछले साल करीब 3.28% केसेस में इन्फेक्शन पाया गया, उसी के अनुपात में सेकेंड वेव में 3.05% पाया गया। साथ ही 11 से 20 वर्ग में अगर हम देखें कि 8.03% लोग इन्फेक्ट हुए, तो उसी के प्रोपोर्शन में 8.57% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की सेकेंड वेव में भी इन्फेक्ट हुई। हम आपके द्वारा यह विनती करना चाहते हैं, हमें सतर्क रहना है। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।